अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। मैं जल्दी से ना अपने रूम में गई थी मोबाइल लेने, तो आज का दिन स्टार्ट हो रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। आज वेदर कुछ बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, बहुत नाइस वेदर है। मैं मोबाइल भूल गई थी अपना अंदर, तो मैं जल्दी से मोबाइल लेने आई हूँ कि आज के दिन मैं ब्लॉग करने वाली हूँ। यस, कार इज ओपन, को बच्चों को छोड़ना है स्कूल। तो अभी हमने छोड़ दिया है, ड्रॉप किया है जैना को एंड जीमर को। हमेशा मेरे लिए ना ये टाइम बहुत रश होता है, क्योंकि दोनों का स्कूल शुरू होता है 8 बजे, और पहले जीमर जैना को छोड़ती हूँ, और वो जैना का जो स्कूल है वो 30 मिनट की ड्राइव पे है। मेरे तब 30 मिनट ड्राइव मुझे वहाँ जाने में और आने में, तो हम 7 बजे निकलते हैं। जल्दी भी निकले ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैना का स्कूल का जो गेट है ना 7:30 में ही ओपन होता है। यस, तो अगर जल्दी भी जाएं तो हमने वेट करना ही करना है, 7:30 में उसका गेट ओपन होगा तभी जैना अंदर जा सकती है। तो और यहाँ पे पहुँचते हुए 8 o'clock, समटाइम मैं लेट भी होती हूँ ना, तो फिर वो लेट मार्क होता है, तो मुझे हमेशा रश होता है कि बस जिमल टाइम पर चले जाए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जीमर का भी एडमिशन जैना के स्कूल में हो जाए। लास्ट ईयर भी कोशिश किया था, लेकिन इतना मुश्किल है वो स्कूल में एडमिशन मिलना, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। लास्ट ईयर इनको प्रॉब्लम था कि इसकी स्पीच प्रॉपर नहीं बोलती है, इसकी स्पीच थेरेपी करवाएं। स्पीच थेरेपी करवाई तो फिर कहते हैं अब प्लेस नहीं है। तो अभी हमने इसका फिर से, इसका इंटरव्यू हुआ था लास्ट वीक जीमर का, तो अभी फिर से वही कह रहे हैं कि हमें स्पीच थेरेपी का सर्टिफिकेट चाहिए कि ये शी कैन स्पीक प्रॉपरली। हालांकि इसका इंटरव्यू किया है, सब कुछ किया है, प्रॉपर बोलती है माशाल्लाह जीमर, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी दालत है। मुझे इतना उनका स्टाफ बहुत बुरा है, स्टाफ अच्छा है लेकिन ये इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इतना मुझे गुस्सा आता है। अभी हमने इसका स्पीच थेरेपी के साथ बनाया हुआ है अपॉइंटमेंट दिस वीक, हमने जुमेरा में जाना है, दुबई जाना है इसको लेके। तो आई होप इसके बाद इसका एडमिशन हो जाए जीमर का जैना के स्कूल में, देन लाइफ विल बी ईजियर। दोनों को एक साथ ड्रॉप किया करूँगी, दोनों को नहीं, तीनों को। इसका भी एडमिशन का हमने करवाया है, तो इसका तो ये तो सिलेक्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जा रही है स्कूल इंशाल्लाह सितंबर से। हालांकि शी इज़ ओनली 3। अभी मैं इरफान को कह रही हूँ कि नहीं भेजना चाहिए, येस यू गोइंग टू स्कूल सून, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इरफान वन शी इज़ 4 तब हमें सेंड करना चाहिए, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। 50-50% हमारा है कि इसको भेजें या ना भेजें, क्योंकि इसकी फीस हमने खुद पे करनी है फुल। आर यू स्लीपी? क्योंकि इसकी फीस कवर्ड नहीं है, जो जहाँ पे इरफान काम करते हैं ना वहाँ पे सिर्फ 2 children कवर्ड है, तो इसकी पूरी फीस हमने खुद देनी है। हालांकि मैं इरफान को कह रही हूँ कि फ़ायदा नहीं है इस साल भेजने का, बहुत छोटी है, वहाँ पर बस प्ले ही करना है इससे, लेकिन इरफान कहते नहीं भेजना है, तो देखो क्या होता है। लेकिन दुआ करना प्लीज़ किसी में का एडमिशन वहाँ पर हो जाए, ताकि 2 दफ़ा मुझे टिकट लग चुकी है, क्योंकि इतना मैं रश पर ड्राइव करती हूँ वापसी में, 2 times मैंने फाइन पे किए हैं, 195 दिरहम, और एक बार तो पता क्या हुआ था, मैंने ओवरटेक कर दिया बस को, स्कूल बस नहीं होती है, और मुझे 1000 दिरहम का फ़ाइन आ गया। अगर आप स्कूल बस को ओवरटेक करो ना तो आपको फ़ाइन मिलता है 1000 का, मुझे पता नहीं था, तो 1000 का फ़ाइन आया हुआ है, ये आया हुआ है कोई 6-7 months का, जो कि हमने अभी पे करना है, क्योंकि वो आप ऑनलाइन भी पे नहीं कर सकते, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है पे करने। तो इरफान को टाइम नहीं मिला, इरफान ने बल्कि हमने ना आपने अपनी कार रिन्यू करवानी होती है ना, वो जो इंश्योरेंस रिन्यू करवानी होती है, तो वो मेरी नेक्स्ट मंथ ड्यू है, तो उससे पहले पहले आपने अपने फ़ाइन क्लियर करने होते हैं, तो हमारा वो वाला फ़ाइन अभी तक ड्यू पड़ा हुआ है। तो इरफान कह रहे थे कि बिफोर समर वेकेशन वो जाके वो क्लियर करेंगे, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे डर लगता है पुलिस स्टेशन का नाम सुन के भी, तो सब कुछ हुआ है ना जीमल के स्कूल की वजह से, क्योंकि इतनी रश में मैं ड्राइव करती हूँ, क्योंकि उसको टाइम पे स्कूल पहुँचना होता है। बस दुआ करें कि इसका हो जाए एडमिशन, अब घर चलते हैं। अभी देखो यहाँ बहुत मुश्किल से ना, जब उसको स्कूल छोड़ती हूँ ना इतनी ट्रैफिक होती है, मैं इसलिए हमेशा यहाँ पे 3 से 4 मिनट बैठ जाती हूँ कि ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए तो मैं घर जाऊँ। अब क्लियर हो गई है तो भी घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड का शूज ऑफ। ओह फर्स्ट यू नीड टू हैव डेट,
नॉर्मली बच्चों को स्कूल जाने से पहले ना मैं इनको इनके ना डेट जरूर देती हूँ खजूर, तो मैं इसको देना भूल गई। मैंने यहाँ पर रखी हुई थी टेबल में, तो मैं इसको देने जाने से पहले बिल्कुल भूल गई। अभी सुबह सुबह मैंने ना वॉशिंग मशीन लगा के गई थी स्कूल में। मेहर अभी खाएगी सीरियल। मेहर कौन से खाने हैं? यू वांट विटामिक्स? नो, यू वांट व्हाट? ओह, शी वांट पीजे मास चोको फ्लेक्स। ओके, इतने सारे सीरियल हैं लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं न्यू किस्म के, तो इसके लिए जगह ही नहीं होती कि मैं कहीं डाल सकूं। विच वन यू लाइक? यू लाइक पिंक और यू लाइक रेड, ब्लू एंड ग्रीन? यू लाइक ब्लू? ओके, आई लाइक ग्रीन। ग्रीन इज माई फेवरेट। तो मैं पीने वाली हूँ पानी। ये वीक मेरा पूरा होने वाला है इंटरमीडियंट फास्टिंग, सिर्फ 1 वीक के लिए करूँगी। मॉर्निंग में मैं सिर्फ पानी पीती हूँ और मैंने सिर्फ 6 आवर खाना होता है, 18 आवर की मेरी फास्टिंग होती है। खाती मैं हूँ 4 to 10, ये 6 आवर मैंने खाने हैं, बाकी मेरी फास्टिंग होती है। तो 4 o'clock मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, जो कि एक ब्रेड लेती हूँ, ब्राउन ब्रेड और एग खाती हूँ। बाकी लंच मेरा वही होता है, बस स्मॉल पोर्शन में खाती हूँ, तो घर का ही खाती हूँ। फ्रूट भी लेती हूँ लेकिन 6 आवर के लिए, ओनली 6 आवर के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। बाकी टाइम पे मैं सिर्फ पानी से ही गुजारा करती हूँ। पानी से आप अपने डिहाइड्रेशन, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो इससे बचना होता है, तो मैं पानी का इनटेक मेरा बहुत ज़्यादा है। 30 मिनट की मैं इंशाल्लाह मॉर्निंग में ही करती हूँ ट्रेडमिल, और रात के टाइम 10 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी एक्सरसाइज, और इसके लिए ना ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर ये है स्लिमिंग बेल्ट है, मैं इसको लगा के एक्सरसाइज करती हूँ, इससे आप बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली इसके साथ भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप ये लगा के ट्रेडमिल करो ना तो सही आपको स्वेटिंग होती है। मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, मेरा म्यूज़िक लिस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन उससे पहले ये मशीन फिनिश हो गई है, इसको मैं डाल लूँ। बच्चों का ब्लैंकेट मैंने आज वॉश किया था। 3 सेकेंड 2 1 ओके डन। अभी मैं बच्चों की ना रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। नॉर्मली मैं फ्राइडे को करती हूँ और आज मंडे है, क्योंकि फ्राइडे इतना बिजी था, तो समटाइम अगर फ्राइडे को ना करूँ ना तो फिर मंडे को करती हूँ। अभी मैंने ये पिलो कवर केस किया है, ब्लैंकेट भी वॉश किया है, यहीं मैंने कर दिया कोट के ऊपर, अभी ये ड्राई हो जाएगा। तो बेडशीट भी डन हो गई है, ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, अलकरम से। अलकरम की और गुल अहमद की, यह दोनों की इतनी अच्छी होती हैं बेडशीट्स। तकरीबन 4 या 5 साल से यूज़ कर रही हूँ ये इन दोनों ब्रांड्स की। यहाँ से भी लेती हूँ, यूएई से भी लेती हूँ, लेकिन उनकी बहुत अच्छी होती है। मैंने ये प्योर कॉटन की है, बहुत अच्छी होती है। अलकरम एंड गुल अहमद बेस्ट ब्रांड है बेडशीट्स के लिए। उनके अलकरम के ना जो शेड्स मुझे बहुत पसंद है, उनके ना न्यूट्रल शेड होते हैं, वाइट शेड्स में होती हैं। अब मैं धोने लगी हूँ घर के सारे टॉवल। बंद कर दो, थैंक यू। टाइम है कुकिंग का, तो ये आज हमारा इस वीक का मेन्यू है। लेडी फिंगर, दाल एंड राइस, एग प्लांट, चिकन पेस्टा एंड न्यू रेसिपी कुछ, और चिकन करी। सो ये हमने दिस वीक का मेन्यू मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, तो ये मैंने आगे पीछे कर सकती हूँ, लेकिन आज बन रही है लेडी फिंगर, जो कि सब कुछ मैं निकाल चुकी हूँ। तो आज लेडी फिंगर बनने वाली है, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मेरे। स्टार्ट करते हैं कुकिंग। हाथ मेहर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एग बॉयल किया है, अभी मेहर एग खाने वाली है एंड क्रीम एंड ब्रेड एज वेल, क्योंकि मेहर जो है ना मैडम वो 3-3 ब्रेकफास्ट करती है। पहले वो सीरियल खाती है, फिर वो ब्रेड एंड क्रीम खाती है। यू वांट ब्रेड एंड क्रीम एंड यू वांट एग एज वेल? ओके, फिर इसके बाद वो फ्रूट्स खाती है। अच्छा, ये मैंने इसको हल्का सा सॉफ्ट हो जाएंगे ना ऑनियन, तो इसमें हम ऐड करेंगे, देखो इसमें मैंने ऐड किया है गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट। अब जाएगा इसके अंदर सब कुछ एक साथ, ये भी जाएगा इसके अंदर, और ये सब स्पाइस जाएंगे इसके अंदर। मैंने इसमें ना देख ले बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, लाइक 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको मैं हल्के से ना
दम में रख लूँगी, ठीक है, और ये दम में ही पक जाएंगी, हल्की सी आंच में मैंने रख दिया है। तो महर का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, एग वो खा चुकी है, तो अब खाना है। कहती है मैंने मिल्क पीना है, सडनली इसका ना मिल्क पीने को दिल कर रहा है। फिनिश इट महर, रीड बिस्मिल्लाह फर्स्ट। गुड गर्ल। इसको 5 मिनट हो गए, ये ऑलमोस्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, और स्मेल इतने मज़े की आ रही है। अब बस मैं इसको तेज़ आंच करके और इसको 2 मिनट के लिए बस भूनना है। मैं ग्रीन चिली खाती हूँ, इसको मैंने इसलिए होल डाला हुआ ताकि वो मिक्स ना हो जाए ओकरा के साथ, ओकरा या लेडी फिंगर, भिंडी, बहुत सारे नाम हैं इसके। ओके, ये इसको मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के बाद। इसके बाद मैं ये बनाया आटा की डो, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है। अब इसकी मैंने, मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है आटा गूंदना, सबसे मुश्किल काम, और रोटियां पकाना, ये दो काम मुझे दुनिया के मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, फिनिश मैं यहीं करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।